सो गाइस, कुछ दिन पहले इस टाइप का एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो मैं इनएक्टिव था कुछ दिन से, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज इस टाइप का एडिटिंग लेकर आ गया हूँ। सबसे पहले तो टून ऐप का यूज करेंगे। तो टून ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, लेकिन उसमें जो है प्रीमियम वर्जन को यूज करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर एक लिंक है, इसी ऐप का लिंक है, उसमें से डाउनलोड करोगे तो ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा और सभी फीचर्स अनलॉक हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर ये वाला ऐप का लिंक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इसे जो है कोई सा भी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं ये वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑटोमेटिक कुछ इस टाइप का स्कैन हो जाता है और यहाँ पर क्रॉप करने के लिए बोलता है। तो अपने फेस को कुछ इस टाइप से सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर ओके को क्लिक कर देना। नीचे में ओके रहता है, तो इसे जो है ओके को क्लिक कर देंगे तो ये जो है कार्टून में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर डेटा जो है ऑन नहीं था, इसलिए नहीं होगा, ये इंटरनेट मांगता है। तो यहाँ पर मैं डेटा ऑन कर लेता हूँ, इसके बाद जो है ट्राई अगेन कर देता हूँ, जिससे कि ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम भी नहीं लगेगा, कुछ सेकेंड्स लगेगा बस, इसके बाद तुरंत क्रिएट हो जाएगा कार्टून में। तो ये देख सकते हो, इस टाइप का कार्टून में क्रिएट हो चुका है। सो गाइज, यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो है वो भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है और बहुत सारे भी मिल जाएंगे इसी टाइप के, लेकिन मैं जिस टाइप का कर रहा हूँ उसी टाइप का करना है। तो पहले नंबर को ही क्लिक रहने देना और ऊपर में अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कर देना और इस इमेज को सेव करना है अपने गैलरी में। तो यहाँ पर सेव का एक बटन होगा, तो उसे क्लिक करके अपने गैलरी में सेव कर लेना। तो अब जो है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करना है। तो सबसे पहले हम होम पेज में चले जाते हैं अपने मोबाइल के, इसके बाद यहाँ पर ये वाला पिक्सआर्ट एप्लीकेशन है। तो इस पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को मैं प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था, तो आप भी कर सकते हो प्ले स्टोर से डाउनलोड। तो इसे ओपन कर लेना, प्लस के आइकॉन को क्लिक कर लेना और ये वाले बैकग्राउंड को जो है सिलेक्ट कर लेना। इस बैकग्राउंड का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसे ओपन कर लेना। तो यहाँ पर साइड में चले जाना है। सबसे पहले तो साइड में ऐड फोटो का ऑप्शन होगा, तो साइड में नीचे करना है इसे स्क्रॉल और यहाँ पर ऐड फोटो का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करना और ये वाले पीएनजी को ऐड कर लेना। इस पीएनजी का भी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसे कुछ इस टाइप से एडजस्टमेंट कर लेना और यहाँ पर साइड में चले जाना है। साइड में ब्लेंड नाम का एक ऑप्शन होगा, तो इस ब्लेंडिंग मोड में चले जाना है। तो इसे ब्लेंड लिखा होगा यहाँ पर, इसे क्लिक करना और यहाँ पर मल्टीपल लिखा होगा तीसरे नंबर पर, तो इस मल्टीपल के ऑप्शन को जो है क्लिक कर देना है। तो वाइट वाला पार्ट जो था वो रिमूव हो जाएगा कुछ इस टाइप से। अब इस इमेज को डन करना है, तो ऊपर में राइट का आइकन दिख रहा होगा, तो उसे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर फिर से जो है ऐड फोटो के ऑप्शन में चले जाना है, ऐड फोटो के ऑप्शन को क्लिक कर देना और एक पीएनजी मिलेगा, इसका डाउनलोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बाइक पीएनजी को जो है ऐड कर लेना। तो कुछ इस टाइप से बाइक पीएनजी को ऐड कर लिया और अच्छे से एडजस्टमेंट कर लिया, तो कुछ इस टाइप से कर लेना और इसे भी डन करना है। डन करना है तो ऊपर में राइट का आइकन दिख रहा होगा, तो राइट का आइकन को क्लिक कर देना और फिर से जो है ऐड फोटो के ऑप्शन को क्लिक करना और ये वाले कार्टून पीएनजी को जो है ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इसे अच्छे से कुछ इस टाइप से एडजस्टमेंट कर लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही। सो गाइज, इसके साइज को इधर उधर करके छोटा बड़ा करके अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना। इसके बाद जो है साइड को क्लिक करना, साइड में यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आता है, तो इस ऐड के ऑप्शन को क्लिक करना और जो है टून ऐप में जो क्रिएट किए थे कार्टून वाला, उसी को जो है ऐड कर लेना है। यहाँ पर इसका बैकग्राउंड में जो है वाइट वाला पार्ट आ रहा है, उसे रिमूव करना है, तो साइड में इरेज का आइकन दिख रहा होगा। यहाँ पर इरेज का आइकन होता है साइड में, देख सकते हो ये वाला, तो इस इरेज के आइकन को जो है क्लिक कर देना है और नीचे में भी इरेज लिखा होगा, उसे क्लिक करना, हार्डनेस कैपेसिटी को बढ़ा देना, साइज को अपने हिसाब से रखना। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से अच्छे से रिमूव कर लेना। तो यहाँ पर मैं जो है वीडियो को कट कर दूंगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से रिमूव कर लिया। अब जो है फिर से इरेज वाले आइकन को क्लिक करना, हार्डनेस कैपेसिटी को कम कर लेना और गर्दन के पास को कुछ इस टाइप से अच्छे से रिमूव कर लेना। तो यहाँ पर अच्छे से मैं रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने के बाद अब ऊपर में राइट का आइकन दिख रहा होगा, तो उस राइट के आइकन को क्लिक करना है। तो यहाँ पर राइट के आइकन को क्लिक कर दिया। अब मैं इस पिक को जो है रोटेट करूँगा क्योंकि इसका सर जो है अपोजिट साइड में लग रहा है। आपका भी लग रहा होगा तो फ्लिप रोटेट के ऑप्शन में चले जाना और तीसरे नंबर को क्लिक करना, तो ये कुछ इस टाइप से अपोजिट साइड में रोटेट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से अच्छे से एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो छोटा बड़ा करके अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना। मैं साइड को क्लिक करके ऐसे जूम कर लेता हूँ, तो कुछ इस टाइप से अच्छे से एडजस्टमेंट करने बनेगा बढ़िया से। तो कुछ इस टाइप से मैं कर लेता हूँ एडजस्टमेंट।
सो गाइज यहाँ पर सर को अच्छे से लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पर गर्दन के पास कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा होगा, उसे रिमूव करना चाहते हो तो साइड में इरेज का आइकन होता है ये वाला, उसे क्लिक कर लेना। और यहाँ पर नीचे में भी इरेज का आइकन होगा, उसे क्लिक करके हार्डनेस कैपेसिटी को अपने हिसाब से रख लेना, जितना करना चाहते हो उतना। साइज को अपने हिसाब से रख लेना, कुछ इस टाइप से जो है रिमूव कर सकते हो, तो रिमूव कर लेना अच्छे से। इसके बाद जो है इसे डन करना होगा, तो ऊपर में राइट का आइकन दिख रहा होगा, तो उस राइट के आइकन को क्लिक करना है और इस इमेज को जो है डन कर लेना है। तो सिंपली ऐसे डन कर लेना। अब यहाँ पर और एक बार डन करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि राइट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो उसे भी क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर इस इमेज को जो है डन कर लेना। अब यहाँ पर एक लास्ट PNG ऐड करना है, तो ऐड फोटो के ऑप्शन को क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर ये वाले PNG को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद यहाँ पर साइड में जाना, साइड में ब्लेंड नाम का ऑप्शन होगा, उसमें जाके स्क्रीन कर देना और यहाँ पर बाइक के हेडलाइट के ऊपर कुछ इस टाइप से लगा लेना। इसके बाद यहाँ पर फिर से इस PNG को क्लिक करना जो ऐड किए थे अभी, उसे क्लिक करना, कैपेसिटी में जाना, यानी कि ओपेसिटी लिखा होगा वैसे तो, उसे कम करना चाहते हो तो कम कर सकते हो, तो कुछ इस टाइप से कम कर लिया। अब यहाँ पर उसे डन करना है, तो ऊपर में राइट का आइकन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कर लेना। इस इमेज को अपने गैलरी में सेव करना चाहते हो तो दो तीन तरीके होते हैं सेव करने के। पहला तो यहीं पर दिख रहा होगा डाउनलोड का ये वाला आइकॉन, उसे क्लिक करके जो है सेव कर सकते हो अपने गैलरी में। यहां से नहीं हो रहा होगा तो ड्रॉ के ऑप्शन में जाना, वहां पर से कर सकते हो। तो यहां पर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना यार। और यहां पर दो वीडियो और देखने को मिल रहा होगा, दोनों ही मेरा है, तो एक को क्लिक करके देख सकते हो। और जो सेंटर में चैनल का आइकॉन बन रहा है ना, उसे क्लिक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो।